हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। धोनी ने आईपीएल में कई यादगार पारियां खेली हैं। धोनी ने इस अपने लंबे चौड़े आईपीएल करियर के दौरान तमाम गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए हैं। कम ही गेंदबाज ऐसे होंगे जो उनके फॉर्म के दिनों में उनसे बच पाए होंगे, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा है जिसने धोनी को हमेशा फंसा कर रखा। लेकिन आईपीएल 2021 में आखिरकार ये फंदा कुछ हद तक टूट गया। वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैरिबियाई स्पिनर सुनील नरेन। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन प्रीमियर लीग में करिश्माई पारी खेलते हुए तो अक्सर आपने देखा होगा। उनके हेलीकॉप्टर शॉट का तो क्या ही कहना, लेकिन उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में वो कारनामा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं किया था। दरअसल मोइन अली के आउट होने के बाद मैदान पर आए महेंद्र सिंह धोनी ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ा। ये चौका उन्होंने सुनील नरेन की गेंद, जिसके लिए उन्हें 65 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, ये सच है कि नरेन की गेंद पर इससे पहले वो बाउंड्री लगाने में कामयाब नहीं हुए थे। मैच की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले जा रहे आईपीएल के 15वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 220 रनों का विशाल स्कोर बना लिया। चेन्नई के लिए फाफ डुप्लेसिस ने 60 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 95 रनों की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने 42 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 64, मोइन अली ने 25, कप्तान धोनी ने 17 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 6 रन बनाए। चेन्नई ने अंतिम 5 ओवरों में 76 रन बटोरे। कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन को एक एक सफलता मिली। गौरतलब है कि एक जमाना ऐसा भी था जब पूर्व श्रीलंकाई स्पिनर अजंता मिंडिस की गेंदबाजी से पूरी दुनिया थर्रा रही थी। उन्हें मिस्ट्री स्पिनर का नाम दे दिया गया था, लेकिन उस दौरान वो धोनी ही थे जिन्होंने मिंडिस की लय बिगाड़ी और दुनिया को सिखाया कि कैसे उनके खिलाफ शॉट्स खेले जा सकते हैं। हालांकि वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन के खिलाफ ऐसा नहीं रहा। आईपीएल के पिछले सीजन तक धोनी के पास सुनील का कोई तोड़ नहीं दिखा। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि सुनील नरेन आईपीएल 2012 से खेल रहे हैं और पिछले 9 सालों में वो अब जब धोनी के सामने आए, ये दिग्गज भारतीय बल्लेबाज उनकी गेंदों पर एक भी चौका या छक्का नहीं जड़ सका। अब धोनी ने इस सूखे को खत्म कर दिया। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर सुनील नरेन के खिलाफ फ्री हिट पर शॉर्ट थर्ड मैन पर चौका जड़कर ये सिलसिला तोड़ा। अब तक धोनी और सुनील नरेन 13 मैचों में आमने सामने आए और मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 में जीत मिली, जबकि 8 मुकाबलों में धोनी फिलहाल बल्लेबाजी में लय से बाहर दिख रहे हैं और ये क्रम पिछले सीजन से जारी है। धोनी ने पिछले आईपीएल सीजन के 14 मैचों में सिर्फ 200 रन बनाए थे, जिसमें कोई 50 नहीं था। वहीं मौजूदा आईपीएल सीजन के 4 मैचों में वो अब तक कुल 35 रन बना पाए हैं। धोनी के इस धमाकेदार रिकॉर्ड पर आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।